ಜಾತಿಹೇತವೆ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಯಂ ನಮಃ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಪಂಚಸ್ಥ ಮಹಾಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ಗಿ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಬೋಲ್ನಾ ಯೇ ಭಿ ದುಸ್ಸಾಹಸ್ ಹೈ क्योंकि इन्होंने तो सारे के सारे रसगुल्ले खिला दिए, अब शक्कर कौन खाएगा। बहुत सुंदर वातावरण है और इन्होंने संस्कार की बात बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखी है। ब्रह्म समाज को संबोधित करते हुए जो डॉक्टर गार्गी ने कहा, उसमें प्रधान बात जो पूज्य चंद्रशेखर पंडित जी हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वैदिक धर्म के अलावा विश्व कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। अगर आप विश्व कल्याण चाहते हो तो वैदिक धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक है। और पंडित जी जब कहते हैं कि वैदिक धर्म की रक्षा के अलावा विश्व कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं है, तो उस संदर्भ को मैं जोड़ना चाहता हूँ। भगवान शंकराचार्य भगवत गीता के उपोद्घात में लिखते हैं कि ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितस्याद् वैदिको धर्म। अगर विश्व कल्याण करना है तो वैदिक धर्म की रक्षा, और वैदिक धर्म की रक्षा करनी है तो ब्राह्मणत्व की रक्षा अनिवार्य है। इसलिए ब्राह्मणत्व की रक्षा से ब्राह्मणवाद नहीं होगा। ब्राह्मणत्व की रक्षा से हम खाली ब्राह्मण को उश्किरा करके उनको खड़ा करके अनामत की मांग करो, हमें रिजर्वेशन चाहिए, इसके लिए नहीं। ब्राह्मणत्व की रक्षा इसके द्वारा होगी वैदिक धर्म की रक्षा, और इसके द्वारा होगा विश्व कल्याण। तो हमारा जो ये प्रयास है ये विश्व कल्याण का एक भाग है, और उसी के अंतर्गत ब्रह्म समाज के अंतर्गत श्रीमाली समाज के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है उससे कारण विश्व कल्याण की कामना हम कर रहे हैं। ऐसी विश्व कल्याण की कामना जब हम करते हैं और विश्व कल्याण के लिए हम जब प्रयासरत हैं, तो ब्राह्मणों ने ही विश्व कल्याण के लिए या इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जो योगदान दिया है उसकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने जितना योगदान दिया है, आजकल लोग प्रश्न उठा रहे हैं, कहीं कहीं कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, आप समझ भी नहीं सकते। एक बड़ा आक्षेप आजकल हर जगह हो रहा है, वो है द्रोणाचार्य के ऊपर। भगवान द्रोणाचार्य साक्षात धनुर्वेद के अवतार, और सरकार भी उनमें शामिल है। षड्यंत्रकारी सारी की सारी पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हो, सारी की सारी पार्टियां ब्राह्मणों के इस अधपतन के लिए जिम्मेवार भी है और उस षड्यंत्र में शामिल है। और उन सबका कहना है, और वो सब बोल रहे हैं कि एक भील के लड़के को द्रोणाचार्य ने अपने यहाँ उनको विद्या पढ़ाने के लिए मना कर दिया, उसको निकाल दिया, और वो था एकलव्य। ये आक्षेप ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है। पहली बात, आप पहले शास्त्र को पढ़ लीजिए, आप पहले जान लीजिए कि द्रोणाचार्य ने जिसको मना किया वो एकलव्य भील है ही नहीं। ये गलत प्रोपोगंडा हमारे बीच में फैलाया जा रहा है। पहली बात तो वो भील है ऐसा जरा ढूंढ के बताओ मुझे। दूसरी कक्षा की किताब पढ़ के आते हैं लोग और शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ जाते हैं, यही गलत बात है। आप याद रखिए कि ये एकलव्य कौन था। अगर एकलव्य को पढ़ना है या एकलव्य के विषय में जानना है, तो आप महाभारत के बाद जो प्रश्न छूटे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान वेदव्यास ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है उत्तर महाभारत, यानी हरिवंश पुराण। उस हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 33वें और 34वें अध्याय में एकलव्य का चरित्र आया। ये एकलव्य कौन था? तो बोले भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव आदि 10 भाई थे, उनमें सबसे जो छोटे भाई थे उनका पुत्र एकलव्य था, यानी भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई है। अब आप बताओ, भील था, शूद्र था, निकाल दिया, ये बात कहां से आ गई बीच में? कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस बात को बीच में घुसेड़ कर ब्राह्मणों को कैसे भी प्रताड़ित करो, ये षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए एकलव्य संगठन भी बन गया है, आजकल हर जगह एकलव्य संगठन चल रहा है, और कर क्या रहे हैं? ब्राह्मणों का विरोध, सनातन धर्म का विरोध। आप जरा खोलिए, और ये एकलव्य कोई सीधा साधमा सादा या अच्छा आदमी नहीं था। एकलव्य बहुत बड़ा हरामी था, नीच था, नालायक था।
और कैसे कैसे उसने दुष्कृत्य किए वो भी आप पढ़िए। वो एकलव्य ने जब उसने अपना उपद्रव बढ़ा दिया तो उसके माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया। आजकल आप अखबारों में पढ़ते होंगे हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है तो कृपया उनके साथ आप कोई व्यवहार न करें और कोई व्यवहार करेंगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बस यही बात एकलव्य के साथ हुई। माँ बाप ने निकाल दिया और निकालने के बाद एकलव्यो महाराजा निषादई परिवर्तित और निषाद लोगों ने उसको बड़ा किया। ये बात द्रोणाचार्य जानते थे कि ये जन्म से हरामी है इसको शिक्षा नहीं पढ़ानी चाहिए और अगर दुर्जन के हाथ में शस्त्र या शास्त्र दोगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। और इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को निकाल दिया और विद्या नहीं दी। और ये बात ये हरामी नहीं जानते और जानते हैं वो चुप रहकर हमारे पर आक्षेप करते हैं। द्रोणाचार्य साक्षात धनुर्वेद के अवतार उनके ऊपर कोई आक्षेप कर सकता है और फिर भी इन्होंने ये प्रोपोगंडा किया और आज भी कर रहे हैं। और ये एकलव्य ऐसा था कि द्वारका में बसने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर भी हमला किया और श्री कृष्ण को मारने भी गया है। ऐसे ऐसे हरामियों को तो कभी विद्या देनी ही नहीं चाहिए। हरामियों के हाथ में विद्या आएगी तो क्या होगा, पाकिस्तान के हाथ में अणुबम आएगा तो क्या होगा, बस यही होने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। एक दूसरी बात, आजकल वाल्मीकि जाति को लोग सरकार ने घोषित कर दिया और चिरंजीलाल जी आपकी पार्टी ने किया है और वो लोग कह रहे हैं ये वाल्मीकि समाज यानी जो भील समाज नहीं भंगी समाज है हरिजन समाज है। हमें किसी समाज से कोई घृणा नहीं है, सारे के सारे अपने हैं, लेकिन वाल्मीकि का नाम क्यों दे रहे हो आप, ये वाल्मीकि कौन है। कहते हैं वाल्मीकि भील था। आजकल आक्षेप ये भी है, पहले आप सोच लीजिए वाल्मीकि भील नहीं है। वाल्मीकि कौन है जरा वाल्मीकि माँ और बाप का नाम बताओ, आपको अगर पता है तो। कहीं से पढ़कर नहीं आते, केवल बकवास करते रहते हैं। देखिए जिस तीर्थराज पुष्कर में हम बैठे हैं और जो पितामह ब्रह्मा का स्थान है, इस ब्रह्मा जी के 10 मानस पत्र हुए, मरीचि अत्रि अंगिरस पुलह पुलत्स्य क्रतु भृगु नारद प्रचेता और वशिष्ठ, इनमें जो प्रचेता हुए इन प्रचेता के पुत्र का नाम ही वाल्मीकि है। ये ब्रह्मा जी के पोते हैं। अब जो ब्रह्मा जी का पोता है वो भील कहां से हो गया। तो ये धूर्त और मूर्ख सब इकट्ठे होकर हमारे पर आक्षेप कर रहे हैं। आप जरा वाल्मीकि रामायण खोलिए, वाल्मीकि रामायण के अंतिम भाग में लिखा है कि प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि का लिखा हुआ ये रामायण समाप्त हुआ, यानी वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र है। खैर अब इन मीमांसा में कहां जाएंगे, मैंने तो आपको दो बातें ध्यान में रख दी कि हमारे विरुद्ध में कैसा षड्यंत्र चल रहा है। बाकी इनसे कहो कि आज तक जो तुमने शासन नहीं किया न देखा है न देखोगे, ये सब ब्राह्मणों के हाथ में था लेकिन ब्राह्मणों ने कभी शासन करने का सोचा नहीं, राजाओं को बिठाया सतपत्र को दे दिया और चले गए वन में। ऐसे हमारे यहाँ कुलगुरु हुए और जिनका आज भी सम्मान करता है पूरा विश्व, भगवान वेदव्यास कौन थे, ब्राह्मण थे। भगवान वेदव्यास ब्राह्मण थे। अरे भगवान शंकराचार्य कौन थे, जिन्होंने चार दिशाओं में चार मठ की स्थापना की, चार पीठ की स्थापना की। आज भी पूरा विश्व अगर किसी से कंपित होता है तो वो शंकराचार्य से होता है। और साईं बाबा जैसों के छक्के छूट जाते हैं आज भी, और वो करने वाले शंकराचार्य है। और किसी की हिम्मत नहीं कि साईं के विरुद्ध में बोले, और शंकराचार्य आज भी खड़े होकर कह सकते हैं कि इस दुर्ग की पूजा बंद करो, और ये कहने का सामर्थ्य ब्राह्मण के अलावा और किसी में हो नहीं सकता। शंकराचार्य ब्राह्मण थे, वल्लभाचार्य ब्राह्मण थे, निम्बार्काचार्य ब्राह्मण थे, मध्वाचार्य ब्राह्मण थे, रामानुजाचार्य ब्राह्मण थे। और न केवल आचार्य, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी कौन थे, गर्गाचार्य कौन थे, अरे भगवान राम के गुरु भगवान वशिष्ठ कौन थे, जरा बताओ तो ये कौन थे, अरे पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। ये सब के सब ब्राह्मण हैं, और न केवल ये ब्राह्मण हैं, इनके अलावा आप पुरानी बातें छोड़ दो, जिन्होंने इस खगोल का भूगोल का गणित का आविष्कार किया आर्यभट्ट कौन थे, ब्राह्मण है। अरे वैदिक गणित को प्रदान करने वाले हमारे ऋषि कौन थे, सबके सब ब्राह्मण हैं। एक एक नाम गिनाने जाओ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिनमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व न हो, जो ब्राह्मणों ने प्रदान न किया हो, ऐसे सारे के सारे क्षेत्र हैं। अरे आप उनकी बातें छोड़ दो, आज भी हो या पुराने जमाने में जाओ, संगीत किसने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, वेद किसने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, पुराण किसने दिए, ब्राह्मणों, सारी की सारी चीजें ब्राह्मणों ने दी।
अरे नागार्जुन, जिसने हमको ये एक बाल के अंदर से जो आप सुई निकाल सको ऐसी किसी ने व्यवस्था करके दी, तो उसका नाम नागार्जुन। वो कौन है नागार्जुन? ब्राह्मण है। सारे के सारे कपिल कौन है, कणाद कौन है, सुश्रुत कौन है, चरक कौन है, वस्त्राचार्य कौन है, ये सबके सब ब्राह्मण हैं। और उस जमाने से लेकर अरे आप जिसके नाम से शासन कर रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो भी ब्राह्मण है। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ दो, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वो डॉक्टर हेडगेवार कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। उसके बाद जिन्होंने पदभार संभाला, वो माधवराव सदाशिव गोलवलकर पूज्य गुरुजी कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के अलावा तुम्हारा भी उद्धार होने वाला नहीं है। और न केवल वो, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे के सारे ब्राह्मण थे। अरे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसा भी था दिनोदा, लेकिन ब्राह्मण है। और ब्राह्मण तो है, वो आप मना नहीं कर सकते, वो भी ब्राह्मण है। और वहां से लेकर आप चले आओ आगे, क्रिकेट की टीम, आप क्रिकेट में देखते जाओ, तेंदुलकर कौन है, कानेटकर कौन है, सावरकर कौन है, सारे के सारे जितने हैं। अरे 1998 में मैंने एक लेख छापा था कि 12 की टीम में से 10 ब्राह्मण थे। आप कल्पना करो, क्रिकेट जो वर्ल्ड कप आप लेके आते हो, और आज भी 75% ब्राह्मण क्रिकेट टीम में है, और कभी फिर भी कहते हो ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये देने वाले कौन है? अरे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते ही गर्व से छाती फूल जाती है, मोरारजी देसाई का नाम लेते ही छाती फूल जाती है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कौन थे ये सब? सारे के सारे ब्राह्मण है। अरे राजनीति में तुम्हारा चंचुपात क्या है? पूरे विश्व को राजनीति में घोल के पी जाए ऐसा चाणक्य वो कौन था? ब्राह्मण है। आप कल्पना नहीं कर सकते, सारे के सारे अवतार हैं, सारों के हाथ में कोई ना कोई आयुध है, लेकिन परशुराम का नाम पड़े तो क्षत्रियों की टांगे हिलने लगती थी, वो ब्राह्मण है। और तीन बाज में भूमि नापने वाले भगवान वामन, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के अलावा दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता। अरे फिल्मों की बात कर लो आप, गीत कलाकारों की बात करो, लता मंगेशकर कौन है? आज भी दुनिया में उसके जैसा कोई गायक नहीं है। वर्ल्ड में नंबर फर्स्ट आने वाली लता मंगेशकर ब्राह्मण है, उषा मंगेशकर ब्राह्मण है। अरे अमिताभ बच्चन कौन है? भीमसेन जोशी कौन है? पंडित जसराज कौन है? अरे अमिताभ बच्चन कौन है? माधुरी दीक्षित कौन है? मिथुन चक्रवर्ती कौन है? ऐश्वर्या राय? अरे सारे के सारे नाम कितने किनारे बैठोगे आप? और इनकी बात छोड़ दो, दाऊद और लतीफ आप बड़े गुंडे मानते हो, ये तो आजकल के छिछोरे फटाकड़े हैं। सबसे बड़ी तोप जो गुंडों का अधिपति कहा जाए, वो रावण भी ब्राह्मण था। आप कल्पना करें, जैसा भी था लेकिन वो ब्राह्मण था, उसकी आप ना नहीं कह सकते। और ऐसे ब्राह्मणों ने जो दिया है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने जो विश्व को